बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कोविड इन्फेक्शन से ग्रसित हुए हैं या हैं तो हम कब नेगेटिव होंगे, कब हमारे एंटीबॉडीज़ बनेंगे, कितने दिन हमारे एंटीबॉडीज़ लास्ट करेंगे, क्या हम एक बार इन्फेक्शन से ग्रसित होने के बाद बिल्कुल सेफ हैं। तो चलिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ अपने संज्ञान से। सबसे पहले तो कोविड पॉजिटिव होने के बाद कोविड नेगेटिव होने का जो टर्न अप पीरियड है वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, केस टू केस वेरी करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई एक आदमी कोविड से ग्रसित हुआ, 10 दिन तक उसको कोई कोविड का लक्षण नहीं आया और 10 दिन के बाद उसका जब RT-PCR कराया गया और वो नेगेटिव आता है तो हम अमूमन ये मान लेते हैं कि वो पेशेंट कोविड नेगेटिव हो गया। बट ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो अपने लक्षण ना होने के बावजूद भी दो दो तीन तीन महीने तक RT-PCR में पॉजिटिव आते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो अस्पताल में या किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में कितने दिन रहें, कितने दिन आइसोलेशन में रहें, कितने दिन क्वारंटीन में रहें। देखिए ये सब चीज़ों पे बहुत विचार विमर्श हो रहा है, बहुत सारी रिसर्चेस चल रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई नया आर्टिकल वगैरह आता है, हम बातें करते हैं, हम भी पढ़ते हैं, मरीज़ों को भी बताते हैं। आपको मोटा मोटी एक बात समझनी है कि आपको इसकी संक्रमण शक्ति हमेशा ज़्यादा रहती है जब मरीज़ को सिम्टम्स हों या लक्षण हों या शुरुआती दौर की बीमारी हो। अगर बीमारी जा चुकी है और मरीज़ पॉजिटिव आ रहा है तो भी उसको अपनी बेसिक प्रिकॉशंस जैसे हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह पहन के अपने नॉर्मल डे टू डे काम करने चाहिए, जितना हो सके आइसोलेशन का पालन करना चाहिए। रही बात नेगेटिव आने की, टेस्टिंग का क्या इम्पैक्ट है? बिल्कुल, आप टेस्टिंग कराएं, आप अपनी RT-PCR टेस्ट को रिपीट कराएं 10 दिन। अगर आप फिर भी पॉजिटिव आते हैं, आपको सिम्टम्स नहीं हैं, तो आप इसको हर दूसरे हफ्ते या हर हफ्ते रिपीट करा सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दो दो तीन तीन महीने तक मरीजों को कोविड से बीमारी से मुक्ति मिल गई है लेकिन पॉजिटिविटी से मुक्ति नहीं मिलती है। इस चीज़ के बारे में हमेशा हम एक चीज़ की मदद लेना पसंद करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि हम एंटीबॉडीज़ लेवल क्यों ना चेक कराएं। जिन लोगों के भी केस में कोविड वायरस पॉजिटिव आता है टेस्टिंग पे दो दो तीन तीन महीने में, उनमें देखा क्या गया है कि उनके एडिक्वेट एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ मीन्स जो प्रतिरोधक क्षमता है कोविड के खिलाफ, या तो वो ठीक से बनी नहीं है या वो अपनी संख्या अनुसार बहुत कम है। ठीक से न बनना, संख्या अनुसार कम होना, दोनों ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अलर्ट तरीके से हमें बताता है कि ये वायरस जितना हमें लगता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब दो दो तीन तीन महीने के बाद क्या हमें दोबारा इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा? जी मैं बोलता हूँ कि नहीं, आपकी इम्यूनिटी इस पर्टिकुलर COVID-19 के खिलाफ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अब ये चीज़ें बहुत हद तक दिख रही हैं कि मरीज़ दोबारा इन्फेक्ट होते हैं। हाँ, अभी तक की जो रिसर्चेस है वो यही बता रही हैं कि जो दोबारा इन्फेक्शन होने पर जो सीवियरिटी है अभी तक तो उतनी नहीं देखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड का पहला इन्फेक्शन इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता, या जब दोबारा होगा तो आप ज़्यादा सीरियस या सीवियर कंडीशन में नहीं जाएंगे। इसलिए अपना ख्याल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखें। आशा करता हूँ ये छोटी सी चीज़ जो मैंने आपके संग शेयर की है इसको आप ठीक से समझेंगे और अकॉर्डिंगली लोगों को भी समझाएंगे और हम एक बेहतर तरीके से, खासकर से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क का प्रिकॉशन फॉलो करेंगे। और अगर हम पॉजिटिव हो भी जाते हैं या हमारा कोई जानकार पॉजिटिव हो जाता है तो ये सब चीज़ें उसको ज़रूर बताएंगे ताकि वो अपने द्वारा पैदा की गई बहुत सारी चीज़ों को जनहित में या तो जारी ना करे या लोगों के बीच में जाके उनको संक्रमित ना करे।